उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि एमसी स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो एमसी स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है, तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। आप सबको पता है कि बिग बॉस ओटीटी के अंदर गया था पुनीत सुपरस्टार, वहाँ पे जो जज बैठा हुआ था एमसी स्टैन, उसने पुनीत सुपरस्टार का कंटेंट को क्रिंज बोल दिया था। इसके बाद पुनीत सुपरस्टार ने रिएक्ट किया एमसी स्टैन के ऊपर, एमसी स्टैन के बारे में उसने क्या कहा आप लोग खुद ही देख लीजिए। मैंने एक वीडियो देखी थी पिछले साल बिग बॉस के टाइम पे, तुमने एमसी स्टैन को फनी वे में आयरोनिकली जैसे भी किया था प्रमोट किया था, बिल्कुल बिल्कुल कुछ उल्टा सीधा नहीं, पूरे देश ने उसको छपरी छपरी बोला था, बिल्कुल तुमने नहीं बोला था। तो जब वहाँ पे पैनलिस्ट वाला जो सीन हुआ था, एमसी स्टैन ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला था, बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ी क्या नहीं आयरनी हो ही नहीं सकती। आज मेरे पास उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा, और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि एमसी स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो एमसी स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है, तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो बोल रहा हूँ सच हो। भाई हो भी सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है, क्योंकि मुझे ना एमसी स्टैन से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर सोशल मीडिया से चढ़ा हुआ ही बंदा है, वो टीवी इंडस्ट्री वालों के साथ इंडस्ट्री वाला नहीं है, वो यहीं से ही